250 की खरीद, जियो फाइनेंस क्या करना चाहिए 2000 शेयर? देखिए अभिषेक, पहले तो जब ये कारोबार रिलायंस के तहत था उसके बैलेंस शीट क्या है, तो और आज के तारीख में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी खरीदारी की राय है। अब ये कारोबार अलग हुआ, मूल्यांकन को स्थापित करने के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी हुआ था, उसके बाद एजीएम में जो घोषणाएं की मैनेजमेंट के उसको लेकर के एक दशा और दिशा बताई है मैनेजमेंट में कि किस तरीके से और कहां पर ये कामकाज करना चाहेंगे। जहां तक जियो फाइनेंस का सवाल है, अब दिक्कत ये है, हम जैसे बुनियादी तर्क के आधार पर जो विशेषज्ञ है कि आंकड़े हमारे पास नहीं, क्योंकि कामकाज अभी तो अनुमति मिलेगी और फिर कामकाज शुरू होगा, तो जो भी दशा और दिशा और कारोबार उतरने की बात की है, चाहे वो फिर इंश्योरेंस लाइफ नॉन लाइफ हो या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के जो कामकाज शुरू करने की बात की है या फिर बाकी अन्य जो कारोबार शुरू करने की बात की है, वो रणनीति अच्छी है, लेकिन आंकड़ों के रूप में हमारे पास फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर सके। तो जब तक ये परिस्थिति बदलती नहीं है, कामकाज शुरू नहीं होता है, इस पर टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जरा बैंक ऑफ इंडिया पे भी एक राय दे दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया के 91 रुपए की इनकी खरीद है, 3000 शेयर लिए हैं उन्होंने। देखिए हमारे तरफ से तो बैंक ऑफ इंडिया में कम करने की या फिर बिकवाली या बेचने की राय है, ये मुनाफे है मेरे ख्याल से जो स्तर इन्होंने अपना निवेश का बताया था उससे, और इसकी तुलना में अगर परिवर्तन के रूप में दूसरी कोई सरकारी बैंक अगर हमें पसंद आती है तो दो नाम मेरे जहन में आते हैं, एक तो है इस देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर दूसरी एक उतनी ही बड़ी बैंक लेकिन दाम में थोड़ा कम पीएनबी, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, या फिर निजी क्षेत्र बैंक में एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक, ये चाहे तो यहाँ पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन कर सकते हैं आप अपनी होल्डिंग्स में, मुनाफा हो रहा है उससे निकल जाएं और फेडरल बैंक में भी अपना मुनाफा आप शिफ्ट कर सकते हैं।